क्या हुआ? बॉल नहीं आई तो खुद ही चली आई। मैं मारूंगा, तू जा तू जा। ए! इस टोन से तो लगता है झगड़ा करने आई है। इससे तो मैं नहीं पड़ता हूँ, तुम लोग खेलो। ए बॉल फेंक रहे। क्या हुआ, गला क्यों फाड़ रही थी? कैसे इंसान हो तुम लोग, मोटे मोटे चश्मे भोली सूरत रखकर कितना नाटक करता है तुम्हारा भाई। नहीं जानती थी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो। क्या हुआ, मेरे भाई ने तेरी बहन का स्टेथोस्कोप चुरा लिया क्या? लेकर गया वो। मतलब? नहीं समझे क्या, दीदी को लेकर भाग गया। अरे पता था तेरा खानदान पागल है। मेरा भाई एक बियर बॉटल नहीं ले सकता, तेरी बहन को लेकर भाग गया? तेरी बहन ही उसे लेकर भागी होगी। मजाक मत कर, मेरा भाई सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अरे मेरा बाप तो मर ही जाएगा। अब क्या होगा, क्या करूं? उसे कहां ले गया होगा? टीवी न्यूज वाले रमेश अंकल के पास या फिर छोटे नाना के पास? LSR के पास। सही अंदाजा लगाया है तूने। तेरे बाबूजी की मर्जी के खिलाफ अगर कोई ये शादी करवा सकता है तो वो मैं हूँ। जाने अनजाने में तूने तीन अच्छे काम किए हैं। पहला प्यार किया, दूसरा भाग आया, तीसरा मेरे पास आया। अब मैं चौथा अच्छा काम करने वाला हूँ, वो है तुम्हारी शादी। ओके बेटा, बेटा तो यहीं बैठा है ना, आना देखो तो। हेलो देवा बोल रहे हो ना? हेलो चाची जान, वहाँ भैया आया है क्या? आया है बेटा, मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी। उसके साथ कोई लड़की भी है? हाँ बेटा, और तुम्हारे चाचा उनकी शादी कराने का प्लान बना रहे हैं। चाची तुम जाकर आहिस्ता से चाचा के पास खड़ी हो जाओ। ये सारे बड़े एक होते हैं, यंग जनरेशन की फीलिंग्स नहीं समझते। उनकी नजर में प्यार आसमान मोड़ने वाले हवाई जहाज की तरह एकदम छोटा है। उसके लैंड होने के बाद पता चलता है कि उसकी रेंज क्या है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आधा किलोमीटर की दूरी पर आर्य समाज है, मैं ही तुम्हारे साथ चलकर आज हमारी शादी करवा देता हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सुनो जी, मुझे सुनहरा मौका मिला है, इन दोनों की शादी कराकर अपने बड़े भाई से पूछूंगा कि अब मेरे लिए क्या फैसला करते हैं। वो देवा साइज में इतना सा है लेकिन मेरा नाम LSR रख दिया है और मेरे लिए ट्रस्ट खोल कर रख दिया है। अबे LSR इतना बड़ा प्लान बना रहा है? सुन लिया ना बेटा। सुनो चाची, कैसे भी आज उनकी शादी रोक लो, कल मैं वहाँ जाऊंगा। शादी? कैसी शादी? वही जिसमें मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछुआ। ये क्या कह रहे हो, उनकी शादी हो गई? हाँ बस उसी में लगे हुए, हमें जाके सुहागरात का इंतजाम करना है। मजाक मत करो, वो लोग कहाँ है बताओ। अरे वाह, तुझे एड्रेस देकर टिकट देकर गाड़ी में बिठाऊंगा तो तू जाके अपनी बहन को लेकर आएगी और हम तुम्हें रिसीव करने के लिए पागलों की तरह यहाँ इंतजार करेंगे। बेकार की बहस मत कर, हम दोनों साथ जाएंगे, तू अपनी बहन को ले आएगी, मैं अपने भाई को ले आऊंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दोपहर को बोट जेटी पर आ जाना। इतना भाव खा रहा है ना, इसे ठीक कर छोड़ूंगी। क्या हुआ, त्रिशा से बात हुई? बात हो गई भैया। हुई बात? तो कहाँ है वो? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भद्राचलम गई है। भद्राचलम किस लिए गई है वो? उसने मन्नत मांगी थी कि एग्जाम्स अच्छे गए तो श्री राम के मंदिर में पूजा कराएगी। मुझे बताकर जाना चाहिए था, मंदिर जाने के लिए मैं मना थोड़ी करता। आप जानते हो ना भैया, आपसे बात करने के लिए भी वो कितना डरती है। मुझे भी बुलाया है, मैं जाऊं भैया? बिल्कुल नहीं। प्लीज भैया, मंदिर ही तो जाना है। शिवा। हाँ भाई। एक मिनट शिवा, तुम एक काम करो, तुम्हें प्रिया को लेकर भद्राचलम जाना है, तैयारी करो। अच्छा भाई। मुझे कोई डर नहीं है भैया, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम जा। डर तुझे नहीं है प्रिया, मुझे। जाकर कपड़े पैक कर लो। ठीक है भैया। भद्राचलम चलने वाले, आ जाओ आ जाओ। जाते वक्त शाहरुख की फिल्म दिखाएंगे और आते वक्त नेहा धूपिया। बोट कब निकलेगी यार? अभी निकलेगी। वहाँ पर प्रिया खड़ी खड़ी किसके लिए वेट कर रही है? मेरे लिए ही। अब मैं जो भी कहूंगा वो करेगी। अरे तू बॉल मांगता है तो नहीं देती, तेरा कहना क्या मानेगी? वो कल तक था, आज वो टीवी है, मैं रिमोट हूँ। क्या देख लेना। अरे ये क्या कर रहा है, उस बोट में क्यों जा रहा है? क्यों रुक गए बेटिया, लॉन्च निकल जाएगी। रुको चलते हैं। किसकी राह देख रही हो? रुको, आती है कि नहीं, कब तक इंतजार करूंगा? लॉन्च चली जाएगी, जल्दी करो, चलो चलो चलो। अरे भाई भद्राचलम जाएगी, चलो जल्दी करो, आओ ना। अरे नीचे क्यों बिटिया, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हवा अच्छी आ रही है शिवा, तुम चलो तो। चलो ना। क्यों बे, देख लिया ना, वो तो ठीक है, तू इधर आ बिटिया। बिटिया ये लोग इस बोट में, हम दूसरे बोट में चलेंगे, चलो। नहीं नहीं शिवा रुको रुको, इसी में जाएंगे। मान जा। अरे अरे वो तो वहां, शिवा हम भी उसी बोट में जाएंगे। बिटिया चलो चलो जाने के लिए। बिटिया बिटिया इसी में चलते हैं। बिटिया संभाल के, गिर जाओगी। बिटिया संभाल के, आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ, अरे संभाल कर। तुम फिकर मत करो भैया। अरे यार तू कुछ करना, ये डूब गया तो अपने गांव का नाम खराब हो जाएगा। वो डूब गया तो गांव का नहीं, उसी का नाम खराब होगा। अरे अरे कुछ करना देवा प्लीज। अबे ओए शिवा, तुम फिकर मत करो प्रिया, उसका और तुम्हारा डोटी किट निकल कर रखा, तुम पैसे दो।
इसके लिए भी अलग पैसा लूंगा लेकिन टिकट नहीं दूंगा। शिवा तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं बेटिया मैं ठीक हूँ। अरे यार तेरे पास गुस्सा ज्यादा और अकल कम है, ये मुझे फॉलो करेगी तू इसे फॉलो कर। क्या बेटिया चलो कह रहे तू जहाँ जा रहा है वहीं आ रही है वो, दोनों ने भागने का प्लान तो नहीं बनाया? तेरे बाप को पता चला मेरी बोर्ड से भागे तो मेरी चपाती बना देंगे। ए बकवास मत कर, मेरे भाई के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हाँ। और ये अपनी बहन को लेने जा रही है। हाँ। ज्यादा मत सोच। अरे बोर्ड चल पड़ी यार सब। हाँ, हाँ, आ रहा हूँ। चल चल जाके अपना काम कर। हाँ चाची। बेटा आज तो शादी रुक गई है। थैंक गॉड। कैसे रुकी चाची? अबू अबू ये सरदार लोग मुझे मारने आ रहे, मुझे बचा लो। अरे तुम सब यही खड़े हो, चलो अंदर। क्या हुआ, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? चुप के बैठा अंदर, आज तेनू छटा के नहीं अच्छी रोकी। शादी का टाइम हो गया है, दरवाजा खोलूंगा तो ये लोग सर काट के गुरुद्वारे में लटका देंगे। आखिर क्या क्या है इसने? क्या पता? ए, इधर। उनसे क्या बोला तूने? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो सरदार की बेटी को फिल्म देखने के लिए बुलाया बस। नहीं अरे सारे लोग अम्मी मैंने अच्छा किया ना? सुपर, तेरे अब्बू तो नालायक है, तू तो अकल का टोकरा है। कहीं इनकी शादी का दिन मेरी मौत का दिन ना हो जाए, अब इनकी शादी कैसे होगी? आज तो तुम्हारे चाचा घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, तुम कल तक आ जाना। अब हमारे जल यात्रियों के मनोरंजन के लिए प्रोग्राम है। वही। अरे बताओ ना वो कहाँ है? ए, तुझे बहन चाहिए कि एड्रेस चाहिए? बहन चाहिए। तो मुंह बंद करके बैठ। ए, क्या बात है बढ़िया? क्या बोल रही है? ए, मुंह बंद करने को बोला, तू भी वही मेंटेन करे तो अच्छा है। शिवा शिवा चुप हो जाओ। इसी तरह इसे कंट्रोल में रखो। चलो सीतापुर आ गया, सीतापुर वाले उतरो। शिवा वो दीवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो जा रहा है, चलो अच्छा पीछा छूटा। वो पीछा नहीं छोड़ सकते, तुम जल्दी बैग लेकर आओ, जल्दी करो। अरे सुनो सुनो पैसे दो दो। अरे जाओ बिटिया। अरे बिटिया रुको, कहाँ जा रही है बिटिया? जल्दी करो, जल्दी आओ, मेरे साथ आओ। बिटिया बिटिया रुको रुको बिटिया, हमें जाना है भद्राचलम, तुम यहाँ क्यों उतर रही हो बिटिया? नहीं कुछ भी हो जाए हमें उसके पीछे जाना ही पड़ेगा, वरना दीदी नहीं मिलेंगी, तुम चलो। दीदी कैसे नहीं मिलेगी बिटिया, वो तो भद्राचलम में है ना? नहीं दीदी भद्राचलम नहीं गई है, इसके भाई के साथ भाग गई है। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अभी तक भैया को नहीं बताया। चलो रुक जाओ शिवा, भैया को ये बात पता चली तो सह पाएंगे क्या? ऐसा सोचकर हम चुप बैठेंगे क्या? चलो चलो मेरे साथ। नहीं कुछ नहीं होगा, उसे पता है कि दीदी कहाँ है, भैया पूछेंगे तो बता देंगे कि भद्राचलम जाकर आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। ओहो शिवा जल्दी चलो, लगता है ट्रेन निकलने वाली है, देवा चला ना जाए। देवा हम आ गए। कब से वेट कर रहा हूँ, चलो। अरे वो सब मेरे पास है, चलो ट्रेन निकल जाएगी। बिटिया संभाल के। शिवा जल्दी आओ। क्या टेंशन में आ गई? बिना टिकट का सफर करता है? सर 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 मुझे जल्दी गाड़ी में चढ़ना पड़ा सर, अगले स्टेशन में टिकट ले लूंगा। 25 साल से यही सुन रहा हूँ, सब यही कहते हैं। चाहिए तो अभी पैसे ले लीजिए सर। पैसे दोगे यानी मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब इसकी बारी है, तैयार हो जाए। ये क्या कह रहे हो, टिकट नहीं लिया क्या? अरे वाह मेरा यही काम है क्या? तुमसे वादा किया था तुम्हारा लिया, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसे ले जाइए, अभी जाओ पीछे, तुम लगा के जाना जरूरी है क्या? वो टीसी आ रहा है, कुछ करो ना प्लीज। एक काम कर यार, उनके आने से पहले तू ट्रेन से कूद जा, तेरा काम होगा। अबे प्लीज देवा क्या करना है बताओ। ठीक है शर्म वरम सब छोड़कर बाथरूम में छुप जा। मैं बाथरूम में क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। शिवा चलो चलो मान जाओ, तुम जाओ ना प्लीज, देखो टीसी आ रहा है, चलो 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 चल। ओए टिकट आपकी। ये क्या मुंबई लेकर क्यों आया तू? मुंबई आने वाली गाड़ी मुंबई नहीं तो क्या बैंगलोर जाएगी? कैसा पागल है तू, मेरे चाचा जी मुंबई रहते हैं, चुपचाप मेरे पीछे आओ। तुम जल्दी बैग्स लेकर आओ, हमें उसके पीछे जाना है। बिटिया प्रिया बिटिया, प्रिया बिटिया मेरी बात सुनो, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, चलो। अच्छा
ये यहाँ का बादशाह है, इसका फ्लैशबैक भी है, यहाँ इसकी प्रजा इंतजार कर रही है, आना है तो आओ वरना मत आओ, मैं चला। उस वक्त जो भाभी के साथ हादसा हुआ वो रोज रोज थोड़ी ना होता है, तुम जल्दी चलो। रुको बिटिया, 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 बिटिया मेरी बात सुनो बिटिया, हमें मुंबई नहीं आना चाहिए। प्लीज शिवा, वो चला जाएगा, समझते हम उसके पीछे क्यों जाएंगे। बिटिया रुको, मैं भाई से बात करता हूँ। शिवा पागलों जैसी हरकत मत करो, चलो मेरे साथ, हम दीदी को लेकर ही जाएंगे। बिटिया देवा, तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो गया, चलो। आओ आनंद, आज तुम्हारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, आज मामूली मुहूर्त नहीं महाचमत्कारिक मुहूर्त है। बाहर कोई आया है, जाकर छुपो, आजाओ। चाचा जी, कितने साल हो गए आपको देखकर, आपके बिना गांव सुना सुना है, चाची और मुन्ना का है। चाची रुक रुक, ये ओवर एक्टिंग बंद कर, क्या लेने आया तू, ब्लड चाहिए या किडनी, कौन से ट्रस्ट में जाकर देगा। चाचा जी ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो। अरे काहे का चाचा, मैं तो LSR हूँ ना, लॉस्ट सुबोध राज, चल जा यहाँ से। जाता हूँ चाचा जी, लेकिन जाने से पहले एक बात, आपका ये दिल दरिया है समझकर आपके पास मदद लेने आया हूँ। आप ही से इंस्पिरेशन लेकर मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसे भगाकर आपकी शरण में आया। भगाकर लाया है, कहाँ है वो लड़की। प्रिया, ये कौन है। ये हम दोनों का मीडिएटर, मतलब ब्रोकर। ब्रोकर, ठीक है चाचा जी। हाँ? मैं मुंबई में दो ही जगह जानता हूँ, एक आपका घर, दूसरा समंदर। आपने मना कर दिया है तो समंदर में डुबकी लगाने जाता हूँ, चलो प्रिया। अरे अरे रुकना, वो तो मैंने गुस्से में डांट दिया था। ये आनंद, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तेरा भाई देवा भी एक लड़की को भगा कर लाया है। भगा? चाचा जी वो झूठ बोल रहा है, वो हमें ले जाने के लिए आया है। नहीं रे, वो तो पक्का ब्रोकर के साथ आया है। वो ब्रोकर नहीं, वो मेरे भाई का खास आदमी है और वो लड़की मेरी छोटी बहन है। लड़की मुझसे पटती नहीं है। इतनी बड़ी चालाकी, तुम कहाँ जा रही हो। देवा के पास। अब तुम्हारे नाम से उन्हें चकमा देना है। सुल्तान, सुल्तान तेरी माँ कहाँ है, देखो गाँव से देवा आया है। दरवाजा बंद कर दिया। चाचा जी, चाचा जी खोलो। तेरे गांव की होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी, मैं मुंबई में रहता हूँ, चलो आजा सब, आजा सब लोग, चलो जल्दी, आधे घंटे में आर्य समाज में शादी होगी, कैसे रोकोगे देखता हूँ। समाज का है मालूम है। मालूम है सर, तो जल्दी चलो।